हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली सैमसंग की ओर से नवंबर का सिक्योरिटी पैचल का जो अपडेट है जो कि यहां पर फाइनली रिलीज करा दिया गया है इंडिया के अंदर। इस अपडेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं गैलेक्सी A51 डिवाइस के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर किए गए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A51 डिवाइस के यूजर हैं, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यहां पर हेल्पफुल होने वाली है। और गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहां पर लाइक नहीं किया है अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहां पर भूल जाओगे। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहां पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हो। और गाइस, आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है सैमसंग वन UI अपडेट का ग्रुप, उसको भी यहां पर ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं फोन स्क्रीन पे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि अपडेट के अंदर चेंजेस हैं वो सैमसंग की ओर से कौन कौन से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। गाइज, आप लोग देख सकते हो 2 नवंबर को अपडेट है उसको यहाँ पर रिलीज किया गया था। और 4:38 PM को, मतलब कि आज ही 4:30 बजे के लगभग मैंने अपडेट है उसको यहाँ पर कम्प्लीट किया था। उसके बाद में मैंने काफी सारी इस डिवाइस के अंदर गेमिंग भी की। हीटिंग इश्यू है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और साथ में हैग और लेग की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है या फिर नहीं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, अपडेट की जो टोटल साइज है वो आपको 130 MB की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और नवंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचल का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है 1 नवंबर 2021। और काफी लोगों के ये डाउट है कि गैलेक्सी A51 जो डिवाइस है इसको यहाँ पर जो मंथली सिक्योरिटी पेज लेवल अपडेट की जो लिस्ट है इसके अंदर यहाँ पर रखा गया है, या फिर आप लोगों को 3 से 4 मंथ के अंदर अपडेट की जो लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पर रखा गया है। गाइज, उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। गाइज, आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये है क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट की लिस्ट, मतलब कि 3 से 4 मंथ के अंदर अपडेट है उसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। उससे पहले भी कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा समय है वो नहीं लगेगा। और यहाँ पर कहीं पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 जो डिवाइस है इसका नेम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काफी लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं इस अपडेट के अंदर चेंजेस हैं वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ये कोई भी बड़ा मेजर चेंज वाला जो अपडेट है वो नहीं है, एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैचल का जो अपडेट है वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से प्रोवाइड किया गया है। इस अपडेट के अंदर फीचर है वो तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपडेट के अंदर ज्यादा जो बड़े चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में ये जो अपडेट है इसके अंदर बहुत सारे सैमसंग की तरफ से ब्लॉटवेयर है एप्लीकेशन है उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देखते हो MX टकाटक MPL प्रो चिंगारी स्नैपचैट और ये बहुत सारे आपको जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है ये अपडेट है उसको करने के बाद में अपने आप से मेरे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। गाइज, आप लोग देख सकते हो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर अपडेट होते हैं उनके अंदर आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो अपने आप यहाँ पर डाउनलोड हो जाते हैं। अगर आप लोग ये अपडेट कंप्लीट कर लेते हो आपकी डिवाइस के अंदर भी ये जितने भी जो एप्लीकेशन है वो अपने आप यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, आप लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं स्पीड टेस्ट के बारे में। इस एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और स्पीड है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलती है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों ये जो स्पीड टेस्ट चल रहा है वो वाईफाई के साथ में चल रहा है, मैं आपको मोबाइल डाटा है उसके साथ में भी दिखा दूंगा। ये एयरटेल की सिम है और हमारी जो कॉलोनी है यहाँ पर जो टावर है वो थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलता है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ज्यादा बुरा है वो भी देखने को नहीं मिलता है। ये है फाइनल कॉन्क्लूजन। आप लोग जैसा कि देख सकते हो इतनी स्पीड है वो आपको देखने को मिलती है, अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड। और अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल नेटवर्क से ताकि आपको एक ठीक ठाक दो ताजा है वो देखने को मिल जाएगा कि स्पीड है वो कितनी यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पीड टेस्ट को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कट। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर कौन कौन से चेंजेज मिलते हैं। सो
सो गाइज आप लोग जैसा कि देख सकते हो स्पीड जो टेस्ट है वो ठीक ठाक यहाँ पर वर्क कर रहा है। जो वाईफाई के मैंने आपको टेस्ट करके बताया था उसके अंदर पूरी फुल थी और जो मोबाइल डाटा है उसके अंदर आपको हाफ से ज्यादा देखने को मिलती है। सो मैं आपको बताऊं सो हमारी जो कॉलोनी है उसके हिसाब से ये जो स्पीड है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। सो ये एक अच्छी बात है। ये जो अपडेट है इसको आने के बाद में MBPS है वो 2 से 3 MBPS है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है और इसका भी जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोग देख सकते हो। डाउनलोड स्पीड ये है और अपडेट जो स्पीड है वो आपको ये देखने को मिलती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद में मुझे क्या हीटिंग इश्यू है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं या फिर नहीं। सो मैं पबजी वगैरह तो नहीं खेलता हूँ लेकिन जो नॉर्मल गेमिंग है वो यहाँ पर करता हूँ। सो इसके अंदर मुझे हीटिंग इश्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं नॉर्मल गेम्स के अंदर। सो आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग पबजी या फिर फ्री फायर खेलते हो सो आपको जरूर से यहाँ पर जो हीटिंग इश्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यार ये 130 MB का अपडेट है, इतना बड़ा मैसिव अपडेट नहीं है। इसके अंदर आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते, जो पहले वाले आपको जितने भी जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलते थे उसी तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सैमसंग म्यूजिक एप्लीकेशन है इसको ओपन करता हूँ सो आप लोग स्पीड टाइम देख सकते हो ये कितनी देर के बाद में यहाँ पर लोड होता है। मैं यहाँ पर रिसेंट जो एप्लीकेशन है सबको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर देखना। सो गाइज ये डिवाइस है गैलेक्सी A51 सैमसंग का एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। इसके अंदर ही आपको इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है सो जो लेटेस्ट डिवाइस है उनके अंदर तो यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ये है हमारा सैमसंग का ऑफिशियल One UI अपडेट का ग्रुप। अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है सो इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोग अपनी इमेज आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ सकते हो और आपको आंसर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं कई बार फ्री होता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर दे देता हूँ। इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं कैमरा एप्लीकेशन के बारे में सो आप लोग जैसा कि यहां पर देख सकते हो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ यहां पर चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो यार सच में बहुत ही खराब हो चुकी है। आप लोग कुछ इमेजेस है वो यहां पर देख सकते हो जो कि मैंने सैमसंग गैलेक्सी A51 जो डिवाइस है इसको इस अपडेट के कंप्लीट करने के बाद में यहां पर क्लिक की है। सो इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पर इमेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस अपडेट को कंप्लीट करने के बाद में। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। और गाइस अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज है वो सबसे पहले देखने को मिलती रहती है और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।